सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहिए अर्चना जी, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, मुझे आज धमाकेदार स्टार परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है और मैं मतलब लाइक बहुत खुश हूँ। जी, क्या कहना चाहोगे? आपको बैक टू बैक हर जगह अवार्ड मिल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत खुशी होती है कि मतलब लाइक अवार्ड्स मिल रहे हैं और मैं शायद लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो शायद इस वजह से, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि ऐसे ही मुझे अवार्ड मिलते रहे। खतरों के खिलाड़ी में आप हमेशा से अच्छी तरह से कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? खतरों के खिलाड़ी में यू आर वेरी ट्विनिंग, ऐश्वर्या के साथ काफ़ी अच्छी ट्विनिंग चल रही है, क्या कहना चाहोगे? बहुत मज़ा आया है और हम दोनों की जो तीनों की जो ट्यूनिंग चल रही है वो बहुत मज़ेदार है, स्टंट में भी, कॉमेडी में भी, हर चीज़ में। और कैसा रहा जब आप कुछ बोल रही थी, एक बातचीत और आप बात कर रहे थे तो आपको रोका गया क्योंकि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे थे, इस तरह के आपके साथ वो हुआ, क्या कहना चाहोगे तरीके? हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब आप पूरी दुनिया को पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आती, मैं सीख रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ बोलने की। आई नो थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, बट ठीक है, मतलब चलेगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ये, बट ठीक है, जैसी मैं हूँ मैं वैसी खुश हूँ। ओके, एक आखिरी सवाल, बिग बॉस ओटीटी में काफ़ी लोगों की बात हो रही है, अल्पेश, मनीषा रानी और अभिषेक के, आप कैसे देखते हैं इन तीनों को, कौन जीतेगा बिग बॉस? देखो, जीतने का तो पता नहीं कौन जीतेगा, बट हाँ टॉप थ्री में इन तीनों को होना चाहिए और मैं चाहती हूँ एल्विश भी जीते क्योंकि वाइल्ड कार्ड जीतेगा तो एक ब्रेक हो जाएगी चीज़ें जिनके लोगों के जहन में था कि वाइल्ड कार्ड कभी जीत नहीं सकते, और अगर मनीषा जीतेगी तो भी ब्रेक हो जाएगी, लोग कहते थे कि कॉमेडी कभी जीतता नहीं है बिग बॉस, तो वो भी एक चीज़ें ब्रेक हो जाएगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि बिग बॉस में कोई कॉमेडी नहीं करेगा और एंटरटेन नहीं करेगा, सब बैठ के बस खाएंगे, तो ये भी नहीं है। तो मनीषा को भी जीतना चाहिए और एल्विश को भी, एंटरटेनमेंट किया जी, लेकिन आपको रनर अप तक ही पहुंचा दिया गया और कोई दूसरा ही ट्रॉफी लेके आएंगे। यहाँ पे भी ऐसी ही बात की जा रही है कि जो मनीषा रानी है वो एंटरटेनमेंट कर रही है, लेकिन बिग बॉस लगातार कह रहे हैं कि शी इज नॉट डूइंग एंटरटेनमेंट, बट ये पता नहीं, ये चीज़ें गलत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं रनर अप रही या मैं टॉप थ्री में आई या टॉप फोर में आई, जो भी है, जो बाहर आने के बाद जो मुझे प्यार मिल रहा है वो शायद टॉप वन से ज़्यादा मिल रहा है, ये भी बोल सकते हैं, या टॉप टू से ज़्यादा, या टॉप थ्री से, टॉप फोर से, कि जनता मुझे पसंद कर रही है, तो वही चीज़ें चाहिए। कितने सारे मैं खिलाड़ी बोलूँ, मतलब कि खिलाड़ी नहीं सॉरी खतरों, कितने सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो टॉप थ्री टॉप फाइव में रहे हैं बिग बॉस में और आज उनके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो मुझे लगता है कि मुझे बस वही जीतता है। हाय, कैसे हो? मैटर इज इट डजंट द मैटर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे बिंदास याद रखना, ये सिंगल है, अगर जो भी है जो शादी करना चाहता है मुझे पहले इनके प्रपोजल्स भेजो, मैं स्कैन करूंगा फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन इनसे शादी करेगा, क्योंकि अभी लिस्ट में 2000 लोग ऑलरेडी हैं, तो 2 मिलियन होने वाला है। मतलब आप एक शो चालू हो सकता है, अर्चना का स्वयंवर मैं होस्ट करने वाला हूँ। और वैसे बताओ, ये बहुत ज़रूरी है, क्या क्या लिस्ट में क्या होना चाहिए, लड़का कैसे होना चाहिए? मैं पक्का आपको लिस्ट भेज दूंगी, है ना? पक्का? हाँ, पर दिलवाला होना चाहिए। अरे इतने दिन यहाँ पे हर लोग तो लट्टू है, वहाँ देखिए इंटरव्यू किसी और का चल रहा है, सब आपको देख रहे हैं, वो देखो वो आपको देख रहा है, वो घंटा वहाँ पे देख रहा है, तो दिलवाले तो है ना? हाँ, दिलवाले, ये बात तो है। तो ये जो हमारे कैमरा के पीछे, ये अच्छे है कि नहीं? हाँ, और उसको चाय बनानी भी आनी चाहिए, उसको चाय बनाए। हाँ। बाबा अदरक वाले, बाबा वो कपड़े धोएगा, सुबह की चाय, बस सुबह की चाय, हाँ, वो पत्नी सेवा करेगा, सब चीज करेगा, अगर कोई आप मिल जाएंगी उसके लिए वो तो मैंने सबसे लकीस्ट गाय होगा। और मैं जब खाना बनाऊँ तो वो मेरे साइड पे ऐसे बैठ के बस मेरे से बात करे और बीच में गाएगा एज इज डजंट मैटर, वो भी गाएगा वो, समझे? राइट राइट। तो ये तुम्हारा टाइटल होना चाहिए, अर्चना का स्वयंवर। स्वयंवर। बाय।